हाउ टू क्विट स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग। वो आपको कुछ स्ट्रेस से रिलीफ देता है पर आपसे बहुत बड़ी चीजें छीन लेगा वो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ। मैं सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल्स में। हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, स्मोकिंग कैसे छोड़ें, टोबैको का सेवन, जो तंबाकू का सेवन है वो कैसे छोड़ें, हाउ टू क्विट स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग। मेरे लिए शायद कहना आसान होगा, पर जो करता है और उसको छोड़ना वो बहुत मुश्किल होता है। पर शुरुआत आपको कुछ इस तरह से करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं वो आपको कुछ स्ट्रेस से रिलीफ देता है, आपको कुछ जो लाइफ में जितनी परेशानी होती है उससे रिलीफ देता है, आपके काम में परेशानी हो रही है उससे आपको रिलीफ देता है, पर आपसे बहुत बड़ी चीज़ें छीन लेगा वो। क्या आपको पता है हमारे देश में हर रोज़ 2500 से ज़्यादा लोग टोबैको के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और सिर्फ हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये नहीं, साथ में कैंसर भी हो सकता है। और मुंह का कैंसर या गले का कैंसर या फेफड़े का कैंसर नहीं, 13 अलग अलग तरह के कैंसर। और जब ये कैंसर होता है उस समय उसके इलाज में जितना खर्च, जितना लंबा इलाज चलता है, कैंसर एक बार कंट्रोल में भी आ जाए तो वापस आ जाता है, पूरा परिवार ख़त्म होता है। और एक बार एक कैंसर पेशेंट चला जाए उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। तो खुद ये सोचिए, जब आप ये सोचेंगे कि अगर मुझे क्यों स्मोकिंग छोड़नी है या क्यों टोबैको छोड़ना है, तो आपके पीछे कारण होना चाहिए। तो ये है वो कारण। और जो खुद आप जो पेशेंट होते हैं उनको जो तकलीफ़ झेलनी होती है, मुंह का कैंसर हो जाएगा, बड़ा बड़ा घाव हो जाता है, खा नहीं पाते हैं, अगर लंग का कैंसर हुआ सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, सो बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस उनको झेलने पड़ते हैं, और वो जो जिस तरह के चेंजेस उनके शरीर में आते हैं वो अक्सर सोसाइटी में लोगों से मिलना जुलना उनका कम हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खो जाते हैं इस स्मोकिंग के कारण। तो स्मोकिंग छोड़ना है तो कैसे छोड़ें? एक चीज़ ये भी है कि जो स्मोक, जो टोबैको होता है उसमें एक निकोटिन नाम का केमिकल होता है। वो निकोटिन हीरोइन, आपने ड्रग सुना होगा हीरोइन नाम का, उससे कहीं ज़्यादा एडिक्टिव होता है। और इस तरह के करीब 75 ऐसे केमिकल्स होते हैं तंबाकू के अंदर जो कि कैंसर करवा सकते हैं। जब आप टोबैको छोड़ना चाहेंगे, स्मोकिंग छोड़ना चाहेंगे, तो अक्सर मरीज़ों को होता है, जो भी लोग होते हैं उनको होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उनको, वो बहुत एकदम तलब लगती होगी, आपको खुद को पता होगा अगर आपने ट्राई किया होगा छोड़ने का, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ग्रम्पी हैं वो, परेशान हो जाते हैं, पसीना निकलता रहता है बार बार, किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है, वो एक उनका हार्ट रेट भी बहुत अजीब सा हो रहा होता है, बहुत स्लो हो चुका होता है, इस तरह की परेशानी आती है। पर आपको ये भी जानना है कि ये परेशानी ऐसा नहीं है कि आपको अब अगले 2-4 साल तक झेलना है, ये कुछ मिनट में चली जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये क्रेविंग होती है आपको सबसे पहले चीज़ ये सोचना है कि किस कारण से आपने स्मोकिंग छोड़ने की सोची है। आप ये सोचिए कि 10 मिनट और रुकता हूँ फिर सोचता हूँ कि करना है कि नहीं करना है, और उस 10 मिनट में आप ट्राई करिए कि आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएं, और आपके जो वो है, जो तलब उठ रही है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ऐसी जगह जहाँ पे अक्सर जो आप करते हैं, जैसे कई लोग होता है कि कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं ऑफिस में, और उस समय उनको स्मोकिंग करना चालू करते हैं, वो सब चीज़ों को अवॉइड करिए। आप उसका कट डाउन करेंगे, क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं तो अगर आपने स्मोकिंग बंद कर दी है तो वो जो कैफ़ीन है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगा उसके अंदर, तो आप उसको भी कट डाउन करिए। अगर आपको फ़ोन करते समय आपको ऐसा लगता है कि तलब उठती है तो आप उस समय पेंसिल पकड़िए और कुछ स्क्रिबल करना चालू करिए। अगर आपको हाथों में कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि नहीं मुझे कुछ तो करना है ऐसा, तो आप कैंडल जला लीजिए, आप पेंसिल यूज़ कर लीजिए सिगरेट की जगह अपने हाथ में रखने के लिए। मुँह में कुछ आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ तो चाहिए, तो आप उस समय च्युइंगम, सौंफ, कुछ भी इस तरह की चीज़ अपने पास रख सकते हैं। निकोटिन पैच भी होता है, तो उससे ये होगा कि वो निकोटिन आपके शरीर में जाता जो जाएगा, जो आपका कंसंट्रेशन एबिलिटी है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो बेटर रहेंगी,
हाँ आपके अंदर स्मोक नहीं जाएगा जो सिगरेट या उस चीज़ का जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो नहीं जाएंगी। और धीरे धीरे जब आपका एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा स्मोकिंग से सिगरेट से, तो वो निकोटिन पैच भी धीरे धीरे हम ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सो ये एक तरीका होता है। प्लस साथ में आप कुछ रिलैक्सेशन, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, आप जॉगिंग करना चालू करिए, आपने कोई स्पोर्ट्स एक्वायर कर लिया, स्पोर्ट्स करना चालू किया, कभी इस तरह की परेशानी हुई, कुछ तलब हुआ, आपको ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप घूमिए, कुछ आपने टेनिस खेलना चालू कर दिया, आपने स्विमिंग करना चालू कर दिया, इस तरह की चीज़ें जब भी स्ट्रेस आउट होते हैं आप कुछ दूसरा तरीका सोचिए कि इस तरीके से आप उससे दूर हो सकते हैं। और ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आप जिनके संगति में आपको ये करना होता है, वो बोलते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होगा, उनसे दूर रहने की कोशिश करिए, उन्हें बताइए कि नहीं ये नुकसान करता है और मैं इस बारे में सोच चुका हूँ कि मुझे नहीं करना है। आप बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जिसमें आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं जिसका फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। ये भी होता है कि आप जैसे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, उसमें लोग इस तरह के लोग जो क्विट करना चाहते हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे को समझाकर एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं कि हमें स्मोकिंग छोड़नी है या हमें टोबैको से दूर रहना है। जैसे किसी को नींद आने में परेशानी होती है तो आप जो सोने वाला टाइम है उसमें टीवी वीडियो उस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, आप चाय कॉफ़ी पीते हैं अगर रात में वो नहीं पियेंगे, ताकि आपका जो सोने वाला टाइम है वो जितना ज़्यादा शांत हो सके उतना अच्छा है। आप उस समय कोई जैसे फिज़िकल एक्टिविटी, आपने दिन में अच्छे से फिज़िकल एक्टिविटी करनी है कि आपका आप थक जाएं, पर रात में जब सोने से पहले आप इस तरह की चीज़ें ना करें फिज़िकल एक्टिविटी, ताकि आपका पीसफुल स्लीप हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, जैसे कुछ फ़ाइन वर्क उनके लिए सिगरेट चाहिए जिसको लेने के बाद वो फ़ाइन वर्क कर पाते हैं। जस्ट अवॉइड इट, वो कुछ दिन तक आप वो फाइन वर्क नहीं करेंगे चलेगा। ऐसा कहा जाता है बहुत सारे कि सर्जन है, ऑपरेशन करता है और उससे पहले उसको सिगरेट पीने का तलब उठती है, तो वो सिगरेट पीता रहे तभी वो ढंग से ऑपरेशन कर पाता है, ऐसा भी होता है। पर ये सारी चीज़ें थोड़ी दिन तक अवॉइड की जा सकती है सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि एक बड़े कॉज के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब आप ये क्विट करेंगे तो आप बात मानिए कि ऑलमोस्ट 8 घंटे के अंदर आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने लग जाएगा। आपको पता है कि जस्ट 48 आवर्स में आपके जो बॉडी में जो हार्मफुल गैस जो डिसॉल्व हो चुका होता है ब्लड में, उसका भी लेवल आधा हो जाएगा। विद इन 48 आवर्स आपके लंग्स में जो हार्मफुल केमिकल्स जो डिपॉजिट हो रहे होते हैं वो भी आधे हो जाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 साल में आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो भी आधा हो जाएगा। बट हाँ, कैंसर का रिस्क आधा होने में 10 साल लगते हैं, बट यस होगा। तो सो आप ये सोचिए कि क्या चीज़ आप खोएंगे और क्या चीज़ पाएंगे जब आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं। आपका हेल्थ आपके हाथ में है। अगर आपको कोई भी सवाल और पूछना हो, मुझसे बात करनी हो, आप इस फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट में भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू।